सबसे पहले मैं आपको फ्रीलांसिंग पर लेकर जाऊंगा, और उसके बाद जो सा है मैं लेकर जाऊंगा एफिलिएट मार्केटिंग पर, और उसके बाद मैं ब्लॉगिंग पर जाऊंगा, और ब्लॉगिंग के साथ जो सा ना मैं आपको यूट्यूब का भी आइडिया दूंगा और हर चीज़ का बताऊंगा कि लोग कितना अर्न करते हैं, लोगों का बताऊंगा मैं, अपना थोड़ा मुश्किल है तो लोगों के, मेरे पास वैसे फ्रेंड्स के स्क्रीनशॉट्स भी पड़े हुए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। और इस वेबिनार का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप को आइडिया मिल सके कि हाँ वाकई इंटरनेट से अर्निंग होती है, ऑनलाइन अर्निंग होती है, और आप किसी भी फील्ड में चले जाए, हर फील्ड में जो है ना वो अर्निंग होती है, डॉलर हर एक, चाहे वो फ्रीलांसिंग है, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग है, चाहे जो सा भी प्लेटफॉर्म है, वहां से आपको डॉलर मिल जाते हैं। करना आपको ये होता है कि आपको थोड़ा सा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है, आपको लर्निंग करनी पड़ती है। तो ये दो तीन चीजें जो सी है ना, अगर आप साथ लेकर चलें तो आप काफी ज्यादा आगे जा सकते हैं, और आप जो उनसे हैं, जो लोग अभी तक अर्न कर रहे हैं, आप उनके लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करता हूँ। उसमें फ्रीलांसिंग में मैं fiverr.com है और अपवर्क है और ईलांस है, इन पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। तो फ्रीलांसिंग में फाइवर पर आ जाते हैं। वैसे फ्रीलांसिंग और ये फाइवर वगैरह ये है क्या? यहाँ पे आप सिंपली क्या करते हैं, मार्केट प्लेस है। पहले भी मैं वेबिनार्स में मिसाल देता हूँ, दोबारा देना चाहता हूँ कि जैसे आप कोई बाजार में जाते हैं, कोई मॉल में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि लोगों ने डिफरेंट शॉप्स खोली होती हैं, चाहे वो ड्रेसेस की हो, चाहे वो शूज की हो, चाहे परचून की हो, चाहे वो फिर दही बल्ले की हो, तो लोग वहां पर अपनी चीजें सेल करते हैं। यहाँ पे भी यही है, ऑनलाइन अर्निंग से मुराद ही यही है कि आपने ऑनलाइन काम करना है और उस पर आपको अर्निंग मिलती है। उसी तरह ऑनलाइन जितने भी काम हैं, कुछ ऑफलाइन भी डायरेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन ज्यादातर काम होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस काफी ज्यादा कैटेगरीज है, आपने यहाँ पे दुकान खोलनी है और इनमें से आपने कोई भी चीज सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ यहाँ पे सर्विसेज लोग ऑफर करते हैं $5 में, और वो लोग उसे अर्न करते हैं। मैं आपको जो है ना वो दो तीन गिग दिखा देता हूँ कि लोग कैसे अर्निंग करते हैं, क्या अर्निंग कर रहे हैं और कहाँ तक कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने लोगो डिजाइन का खोला है, आप जिसमें भी मर्जी चले जाएं, आप कॉपी राइटिंग में चले जाएं, ट्रांसलेशन में चले जाएं, आप लीगल राइटिंग में चले जाएं, क्रिएटिव राइटिंग में चले जाएं, मैं ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पे डोमेन सर्च पे चले जाएं, कीवर्ड रिसर्च पे चले जाएं, SEO पर चले जाएं, आपको काफी ज्यादा बहुत बड़ी लिस्ट आपको मिलेगी, और आप नीचे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, तो आप जाते जाएंगे, कुछ हैं जो उनसे आप रुक जाएंगे वहां पे, और आप जितना भी नीचे देख लें, तो यहाँ पे ये देखें 436 इसको रिव्यू मिल चुके हैं। तो बाकी फाइवर का अगर किसी को नहीं पता तो मुझे इनबॉक्स कर दीजिए, मैं उसको ट्यूटोरियल्स दे दूंगा, मैंने बनाया है इस पर काफी पहले। तो यहाँ से कोई गिग ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 14,000 जो है ना वो यहाँ पे रिव्यूज इसको मिल चुके हैं। रिव्यूज क्या होते हैं मैं उसका भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको साथ में। हम कैलकुलेटर भी ले लेते हैं। तो फाइवर पे क्या होता है कि लोग अपना अकाउंट बनाते हैं, वहां पे आप जो उनसे है एक गिग क्रिएट करते हैं और लोगों के लिए ऑफर पेश करते हैं, और ये $5 में होता है, यानी कि इसका नाम भी फाइवर है, ठीक है ना। तो उन्होंने वहां से आइडिया निकाला, $5 में जो उनसे ना आपको लोगो बना के देंगे, यहाँ पे इन्होंने काफी ज्यादा बनाए हुए हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके 14,000 जो है ना प्लस जो है ना बाय रिव्यूज हैं। रिव्यूज क्या होते हैं, जब आपको कोई ऑर्डर कर देता है ना, आपकी ऑफर लेना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ऑर्डर नाउ करता हूँ, तो मैं इसको कहूंगा कि मुझे गिग बना दो, तो जब मैं गिग मुझे बना देगा ना, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन होगी कि मैं उसे रिव्यू दूं या ना दूं। फॉर एग्जाम्पल 4.8 है ना, तो कुछ लोगों ने जो है ना उनको रिव्यूज कम भी मिले हैं, लेकिन 4.8 भी बहुत ज्यादा है जहां पर 14,000 रिव्यूज मौजूद हो। तो
वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे $15 में एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी भी दे रहे हैं, और सोर्स फाइल भी आपको देंगे, और पीएसडी फाइल। तो ये आप जब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे देखिए $55, मैं इसको भी करता हूँ तो $155, ठीक है। तो यहाँ पे लोग एक्स्ट्रास भी लेते हैं, लेकिन हम एक्स्ट्रास को छोड़कर अगर इसकी अर्निंग देखें कि इस बंदे ने कितनी अर्निंग की है, और जब से मैंने फाइबर ज्वाइन किया ना, ये गिग मैं लोगो डिजाइन के ऊपर देख रहा हूँ, ये बंदा जो है ना सबसे ज्यादा अर्निंग कर रहा है। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरी वो मेरा थोड़ा नेट का इशू आ रहा है, आपको स्क्रीन और आवाज सही क्लियर आ रही है? कंफर्म कर दें काइंडली। चलें ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर निकाला और यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया, और एक और बात है कि आप फाइवर जो है ना एक ट्रस्टेड साइट होती है, कुछ लोग जो है ना अभी भी पीटीसी साइट वो क्लिक सेंस वगैरह जो है ना वो यूज करते हैं, और जब उनके साथ कोई भी दूसरी वेबसाइट होते हैं वहां पे उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, फिर वो सोचते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग जितने भी मेथड्स हैं वहां पे हमें जो है ना वो धोखा मिलता है और हमारे साथ फ्रॉड होता है या स्कैम होता है। तो यहाँ पे $5 जो है ना बायर बायर जो है ना फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगा, तो मैं $5 मेरे अकाउंट से जाएंगे, और जो सा सेलर है जिसने ये गिग बनाया है और जो जो ये ऑफर दे रहा है उसको $4 मिलेंगे, $1 जो सा है वो फाइबर वाला रखता है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक ये बायर है, इससे इसने $14,000 जो से ना वो इसने हासिल कर लिए हुए हैं, और यानी कि 14 लाख रुपए जो है ना फाइवर ने इससे निकाल ली है। तो उसको जरूरत नहीं है कि वो आप लोगों से किसी किस्म का स्कैम करे या फ्रॉड करे। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि एक ऑर्डर पे उसे 4 मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाती है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, यानी कि $1 जो है वो आप एस्टिमेट ही लगा लें कि 100 रुपीज पाकिस्तानी के इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आ जाती है 5 करोड़ 60 लाख तकरीबन आ जाती है, इस बंदे ने अकेले इस एक गिग से किया है, और ये बल्कि एक बंदा नहीं है, इसके पास तो अब अपनी कम्युनिटी है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि 444 जो है इसके पास पेंडिंग में है, और इसने और भी काफी ज्यादा गिग्स बनाए हुए हैं जहां से उसको अर्निंग आ रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2,000 रिव्यूज इसको मिल चुके हैं, और यहाँ पे 50, 40 और 100, 500, तो इस हिसाब से आ रहे हैं। तो ये लोगोस के हो गए। उसके बाद जो है अगर आप आर्टिकल राइटिंग में आ जाते हैं तो यहाँ पे भी 1,000 इसको रिव्यूज मिल चुके हैं, इसको 1,000 रिव्यूज मिल चुके हैं, इसको 370 रिव्यूज मिल चुके हैं, 1 किलियन मिल चुके हैं, 1 किलियन। तो जो सी भी मैं कैटेगरी खोलूंगा ना उसमें आप यही देखेंगे कि यहाँ पे काफी लोगों ने गिग्स बनाई हुई हैं और उनको कितने कितने रिव्यूज मिल चुके हैं, और कुछ लोग रिव्यूज नहीं भी देते, और गिग एक्स्ट्रास भी मिला लें तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितनी अर्निंग होती है। बाकी कुछ लोगों का मसला होता है कि उनको ऑर्डर्स नहीं आते, तो ऑर्डर्स लाने के लिए कुछ करना पड़ता है। उससे पहले जो है ना मैं आपको एक मिसाल से क्लियर कर दूं कि जब आप एक शॉप खोलते हैं ना तो आपके पास कस्टमर नहीं आते, क्योंकि आप न्यू होते हैं। जब लोगों को पता चलता है कि हाँ ये वहां पे शॉप है, और देखते हैं कि उसके पास
फॉर एग्जाम्पल सब्जी की शॉप है आपके पास, तो लोग देखते हैं कि यार उसकी सब्जी जो है ना बड़ी ताजा है, बड़ी अच्छी है, तो फिर लोग आपके पास आते हैं। अब SEO की कैटेगरी में मैं आया हूँ, तो यहाँ पे 13 हजार जो है रिव्यूज मिल चुके हैं, यहाँ पे 22 हजार मिल चुके हैं, यहाँ पे 37 हजार मिल चुके हैं। तो फाइवर्स पैसा जो है ना वो हर एक चीज में है, और लेकिन कुछ चीजों में जो है वो आपके पास ये होता है कि आपकी हार्डवर्क। अभी एडवांस जो है ना, भी फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बताऊं ना कि आप यहाँ से ये करें, आप ये करें, तो फाइवर पे ही एक वेबिनार, यानी कि मैंने किया था, तो एक एक 1.5 घंटे का वेबिनार हुआ था। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक चीज बेसिक बताऊं। मैं बेसिकली यहाँ पे अर्निंग का जो है ना वो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है आपको बता सकूं कि हाँ, ऑनलाइन अर्निंग होती है। तो मैं सिर्फ आपको आइडियाज दे रहा हूँ, आपके जो है ना कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, और आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ ताकि आप जो है मेहनत करें, और मेहनत करके आप जो है एक लेवल पर पहुंचे, ठीक है। उसके बाद अपवर्क डॉट कॉम है, आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप फाइंड फ्रीलांसर में कुछ भी लिख लें। फॉर एग्जांपल मैंने आर्टिकल लिखा है, तो आर्टिकल का मेरे पास आ गया है। अब ये बंदा जो सॉरी बंदी जो सी है वो $50 पर हॉर लेती है, और 125 हॉर इसने काम किया है। हम कैलकुलेटर निकालते हैं, मेरा नेट फिर स्लो हो गया। तो 50 मल्टीप्लाई करते हैं हम 125, ठीक है। तो इसने तकरीबन 6 लाख रुपए जो है ना वो इस जो सी ऑफर है ना आर्टिकल राइटिंग की, उसकी जो है ना उससे इसने इतने अर्न कर लिए हैं। इसके पास 3 मोर भी हैं, यहाँ पे $27 ले रहा है, और इसके पास 2000 हॉर्स इसने काम किया है। तो हम इसका कर लेते हैं 27 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2325, तो इसने 62 लाख जो है वो यहाँ से अर्न किए हैं। बाकी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अर्निंग बहुत ज्यादा ज्यादा बता रहा हूँ। तो ज्यादा अर्निंग का मेरा मकसद भी यही है कि आपको पता चले कि आप किस लेवल तक अर्न कर सकते हैं। बाकी सुहाने ख्वाब दिखाने वाला काम मैं नहीं करना चाहता कि आपको कहूँ कि आप तो करोड़ों कमा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये ख्वाब नहीं दिखाऊंगा कि आप कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। बाद में मुझे कहा जाए कि आपने तो कहा था कि मैं लाखों करोड़ों कमाऊंगा, मेरा तो ऑर्डर ही नहीं आ रहा फाइवर पे और यूट्यूब पे व्यूज ही नहीं आ रहे। तो एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप किस लेवल तक अर्न कर सकते हैं। ये तो आर्टिकल का हो गया ना, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ग्राफिक का लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, उसके बहुत ज्यादा लोग जो है ना अपने फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल यहाँ पे दी हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी तरह ई लांस है, ई लांस पर भी इसी तरह ही है। और मैं नीचे जाता जाता हूँ, ये $25 ले रहे हैं पर और के, और इसने $95 काम किया हुआ है। तो उसी तरह ई लांस है, अपवर्क है, और freelancer.com है। तो ये फ्रीलांसिंग साइट्स हैं जहाँ, और ये ऑथेंटिक साइट्स हैं, यहाँ पे आपको फ्रॉड स्कैम का कोई इशू नहीं होगा। YouTube पे मैं बाद में आता हूँ, अब मैं आ जाता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग पे। एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि आपने किसी की चीज को पकड़ना है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, आपने क्या करना होता है उसको सेल करवा देना होता है। और जब आप उसकी चीज सेल करवाते हैं ना, उसके बदले में जो है आपको कमीशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम प्रॉपर्टी डीलर की बात कर लेते हैं, कि प्रॉपर्टी डीलर को हम कहते हैं कि हमारा ये घर है, आप ये बिकवा दें हमें। तो अफिलिएट मार्केटिंग सॉरी प्रॉपर्टी डीलर के पास आप जाते हैं और उनको कहते हैं कि ये मेरा घर है, आप ये बिकवा दें।
और बदले में जो सा हम आपको कमीशन दे देंगे। तो यही होता है कि आपने एफिलिएट करना होता है, किसी प्रोडक्ट को लिंक करना होता है और उसकी मार्केटिंग करनी होती है ताकि उसके पास सेल्स आए। और यहाँ पे जो सा सेलर होता है ना, उसको भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर आपकी अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट है ना, तो फिर भी आप यहाँ से कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। और अगर आप आपकी अपनी प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर भी आप जो सा है ना, लोगों की प्रोडक्ट को प्रमोट करें और उस पर सेल्स करवाएं, तो उसके बदले में आपको अर्निंग आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज हैं। अच्छा, ये क्लिक बैंक है, मार्केट प्लेस गूगल में लिखेंगे तो आपके पास ये साइट आ जाएगी। तो यहाँ पे जो से जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो सारी ऑनलाइन होती हैं। शायद दो तीन हो ऐसी प्रोडक्ट्स जो ऑफलाइन भी हो, लेकिन यहाँ पे मैंने जितनी भी प्रोडक्ट्स देखी हैं, यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स देखी हैं, वो सारी ऑनलाइन चीजों पर डिपेंड करती है। और amazon.com है, उसमें भी एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हैं। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको फिजिकल प्रोडक्ट सेल करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, आपने इन चीजों को भी कमाना होता है। और आपने कुछ नहीं करना होता, आपने साइन इन करना होता है, आपने उस चीज को सेलेक्ट करना होता है जिस जिस चीज को आप प्रमोट करना चाहते हैं। उसके साथ आपको बैनर देते हैं, उसके साथ लिंक होते हैं। उस लिंक से जो डायरेक्टेड करेगा ना, अब फॉर एग्जाम्पल आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं अमेजोन से, फिजिकल प्रोडक्ट है, अब आप फिजिकल प्रोडक्ट को ना ही शिप करवाएंगे और ना ही कोई और चीज करेंगे, सिर्फ आपने उसको प्रमोट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बंदा आता है और वो कहता है कि आपने जो मुझे यार जो है ना लोन का सूट लेना है, आप कहते हैं कि आप अनारकली चले जाएं, वहां पे एक दुकान होगी और उसको मेरा मेरा नाम लेना, तो आपको जो है ना वो वहां से आपको चीज मिल जाएगी। और यही हिसाब किताब होता है कि आपने खुद शिप करना कुछ भी नहीं होता, ना ही आपने कोई चीज देनी होती है, आपने सिर्फ उसको प्रमोट करना होता है। और अगर आपके लिंक दिए हुए लिंक पर आपको अर्निंग हो जाती है ना, तो फिर आपको जो है वो उसके बदले में डॉलर्स मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। अब यहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काफी ज्यादा कैटेगरीज हैं, इसमें हम उठा लेते हैं हेल्थ एंड फिटनेस पे कर लेते हैं। आप यहाँ से भी कैटेगरी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप फाइंड प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बाकी चीजें ग्रेविटी एवरेज पर सेल, ये तो काफी लंबा हो जाएगा। मैं छोटा सा वेबिनार करना चाहता हूँ इन शॉर्ट, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो यहाँ पे देखें, वो एवरेज सेल $34 पे कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो ये चीज जो है $34 में अगर वो पे करता है, तो आपको यहाँ पे सेल, यानी कि जितनी भी सेल होगी ना, उस पर आपको 77% जो है ना वो आपको इसमें से मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे $100 होता ना, और यहाँ पे 77% या 70% कमीशन यहाँ पे लिखा होता, तो आपको जो है $70 जो है ना आपको वहां से मिल जाते। और ये नहीं है कि आपने एक दफा सेल कर दी तो आपका काम खत्म। जितने जितनी दफा लोग खरीदेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक अच्छा सोर्स है, आपके पास विजिटर है, आप सेल करवा सकते हैं, आपको मार्केटिंग आती है, और $100 की एक प्रोडक्ट है, और $100 की प्रोडक्ट है, उस पर कमीशन आपको 70% मिल रहा है, तो 70 × 100 कर लें, तो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ कि 100 100 की प्रोडक्ट है, ठीक है, और आपने उसे सेल किया है 100 बंदों को, ठीक है, 100 डॉलर की ही प्रोडक्ट है और 100 बंदों को ही आपने सेल किया है, और हर सेल पे आपको 70% कमीशन मिल रहा है। तो हम 70% जो सा हमें कमीशन मिल रहा है, यानी कि हमें $70 मिल रहे हैं, उसको हमने सेल करवाया 100 बंदों को, तो हमारे पास 7 लाख रुपए आ जाते हैं, ठीक है, कम भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं। तो मैंने आपको एक इसका भी आइडिया दे दिया, एफिलिएट मार्केटिंग। इंशाल्लाह मैं एफिलिएट मार्केटिंग पे डिटेल में बताऊंगा। फाइवर और यूट्यूब तो मैंने कर लिया है, उस पर बना दिया है, लेकिन वो बेसिक्स हैं, उस पर भी इंशाल्लाह मैं एडवांस लेवल पर जाऊंगा। और एफिलिएट मार्केटिंग में आपको वाकई बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसके साथ मैं थोड़ी आपको एसईओ सिखा दूंगा, बेसिक एसईओ सिखा दूंगा जो मुझे खुद आती है। लेकिन मैं बाय द वे पहले
पहले जो सा ना वो मैं इसको प्रैक्टिकल करूंगा, क्योंकि काफी ज्यादा चीजें हैं जो मुझे एफिलिएट मार्केटिंग में इशू कर रही हैं, तो एक्सपीरियंस ले लूंगा, नॉलेज ले लूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह आपको जो सा है एफिलिएट मार्केटिंग पर भी बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम ब्लॉगिंग पर। ब्लॉगिंग क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह एंड पर लूंगा, क्योंकि मेरी लाइट जो सी है ना वो चली जाती है, चाहे वो 5 मिनट के लिए हो, बाद में जनरेटर लग जाता है, लेकिन वो लाइट ही कर चली गई तो रिकॉर्डिंग, वैसे मैं कर रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग जो सी ना वो जाया हो जाएगी, फिर मुझे दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो ब्लॉगिंग का मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ब्लॉग और वेबसाइट का ज्यादा फर्क नहीं है। आप फॉर एग्जाम्पल ये है ना माई ब्लॉगर ट्रिक्स डॉट कॉम है, तो ये एक ब्लॉग है जो भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं, एक जो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग बताई थी आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने कुछ चीजें लगाई हुई हैं, तो आई थिंक इसमें से एक दो चीजें जो सी है ना वो फॉर एग्जाम्पल जैसे पे एफिलिएट है, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहा है और साथ में इसने एडसेंस भी लगाया हुआ है। एडसेंस क्या होता है कि गूगल की तरफ से आपको जब आप ब्लॉग बनाते हैं उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जब आप वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हैं और आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाता है और उसके हिसाब से आपको अर्निंग होती है। लेकिन इसके लिए आपके पास विजिटर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तीन किस्म के एडसेंस की टाइप्स हैं। एक ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरी नजर से गुजर चुका है, ठीक है, यानी कि मेरी इतनी स्क्रीन है, तो मेरी स्क्रीन में अगर एक दफा ये आ गया तो इसको एक इम्प्रेशन भी मिल गया, और इम्प्रेशन अगर 1000 इम्प्रेशन हो तो उस पर भी अर्निंग होती है, और अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो एक दूसरी वेबसाइट के साथ मैं लिंक हो जाऊंगा, जैसे payoneer.com है, तो ये यानी कि उन्होंने गूगल को कहा कि आप हमारी जो सी एडवर्टाइजमेंट करें, और क्योंकि देखें ना आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, ठीक है, इस वेबसाइट की वजह से, तो देखें वहां पे पेयोनीर के जो से ना बायर ज्यादा हो गए हैं, लोगों को पता चल गया कि यार पेयोनीर भी कोई चीज है। इम्प्रेशन भी होते हैं, क्लिक्स भी होते हैं, और एक होता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोडक्ट है वो सेल करवा दें, या यहाँ पे मैं पेयोनीर से कर लेता हूँ एक काम स्टार्ट कर लेता हूँ कि मैं पियोनियर कार्ड इशू करवा लेता हूँ, तो उसके बदले में जो सा है इनको मिल जाएंगे पैसे। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है ये देखें एड्स बाय गूगल यहाँ पे आपको शो हो रहा है, तो ये गूगल की तरफ से एड शो होता है, और अगर आपके पास कीवर्ड रिसर्च अच्छी है और एसईओ का आपको थोड़ा पता है तो आपको पता होगा कि अगर मैं इस पे मैंने एक दफा क्लिक कर दिया, अगर ये $1 वाला बिड है इसका, तो अगले बार जो सा है इस वेबसाइट के ओनर को $1 मिल चुका है। और अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट बना ली, आपने इसकी एसईओ कर लिया, आपने इसको रैंक कर लिया, आपकी वेबसाइट पे विजिटर ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स आ रहे हैं, तो क्या होगा कि आपके पास जब विजिटर ज्यादा होंगे आपके पास क्लिक्स भी ज्यादा होंगी, आपके पास इंप्रेशन भी ज्यादा होंगी, और अगर कोई सेल का मामला है तो सेल भी ज्यादा होंगी। अब फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट पे 1000 बंदे डेली के आते हैं, ठीक है, यानी कि 1000 बंदे इस वेबसाइट को देखते हैं, और 1000 में से अगर 100 भी इस पर क्लिक करते हैं तो आपने एक दिन में $100 कमा लिए हैं, अगर वो क्लिक वाला एड हो। ठीक है, अगर आपके पास आपके पास 2000 विजिटर्स हैं, उसमें 1000 बंदों ने अगर इस एड को देख लिया है, तो आपको फिर भी उस हिसाब से आपको अर्निंग होती है। तो ये है ब्लॉगिंग। एक और ब्लॉग दिखा देता हूँ, और इसने एक यहाँ पे भी ऐड किया, और मैं जितने भी यानी कि जितनी भी इसकी पोस्ट है, मैं जब इसकी पोस्ट खोलता हूँ तो उसमें भी मुझे जैसे कि ये यहाँ पे भी एड एड बाय गूगल है, तो यहाँ पे भी इन्होंने पेयोनीर का दिया हुआ है, और इस पे भी अगर मैं क्लिक करता हूँ ये इम्प्रेशन आती हैं, तो ये वैसे कि क्लिक और इम्प्रेशन ये काफी ज्यादा बड़ी चीज है, बस आप आइडिया रखें कि क्लिक करने से इस पेज के ओनर को जो सा है वो पैसे मिलते हैं, कमीशन मिलता है,
और यहाँ पे भी इस बंदे ने किया हुआ है। और ये एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहा है और इसने एडसेंस भी लगाया हुआ है और इसके पास काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया की साइट है और काफ़ी ज़्यादा ये इसके विजिटर्स हैं और यहाँ से लोग अर्न कर रहे हैं। उसके अलावा डेली ब्लॉग टिप्स है, ये भी एक काफ़ी हाई रैंक साइट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐड लगा हुआ है और यहाँ पे भी इसने एफिलिएट का काम भी स्टार्ट किया हुआ है। और जब मैं इसकी हर एक पोस्ट देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सर्च करता हूँ ना, बस इसकी वेबसाइट पे मैं एक दफा आ गया ना, तो समझे इसका जो है ना वो इसकी तो ईद हो गई है छोटी वाली। जी यहाँ पे भी एड लगा हुआ है, नीचे भी लगा हुआ है और एक एड यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो एक तो दो इसने एड्स लगा दी हैं, तो ये इनका सिस्टम है। बाकी ब्लॉगिंग में एक और भी चीज़ आती है, अगर आपने एक वेबसाइट बना ली है और ये काफ़ी ज़्यादा बिजनेस चलता है, जब आप एक वेबसाइट रैंक कर लेते हैं, उस पर विजिटर आते हैं, चाहे वो एडसन से हो चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग से हो, तो आप क्या करते हैं flipkart.com पर आ जाएं और flipkart.com पर वेबसाइट में आए और वेबसाइट में देखें कि स्टार्टर साइट्स है या मोस्ट एक्टिव है या एंडिंग सून है या जस्ट सोल्ड है। मैं जस्ट सोल्ड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने दो तीन साइट्स खोली हुई हैं, तो ये अपनी साइट्स $26 में सेल कर रहा है। यानी इसने अपना एक ब्लॉग बनाया है livewallpaper.org। हम वेबसाइट भी ओपन कर लेते हैं कि वेबसाइट किस किस्म की है, किस तरह की है। तो यानी कि ये 26 लाख के जो है ना वो अपनी वेबसाइट सेल कर रहा है, लेकिन उसमें मेहनत भी है, उसने 5 इयर्स लगाए भी हैं और इसका इसने SEO भी की हुई है। इसका PR यानी कि पेज रैंक जो सा है वो भी 4 है और ट्रैफिक इसके पास बहुत ज़्यादा आ रही है, यूनिक विजिट्स भी काफ़ी ज़्यादा है और एडसेंस से अर्निंग भी काफ़ी अच्छी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसने 1 लाख जो सा है वो कमाए हैं अक्टूबर 14 को, उसके बाद नवंबर 14 को उसने 1 लाख तकरीबन कमा ली है। तो ये हर मंथ मंथली जो सी है उसकी अर्निंग होती है, तो एडसेंस रेवेन्यू जो सी है वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। यहाँ पे आप ट्रैफिक देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेज व्यूज हैं, तकरीबन ये 14 लाख है मेरे ख्याल से, बता दें क्या है, मैथ कमजोर है मेरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके पास काफी ज्यादा विजिटर भी हैं। तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट सेल भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपने लेकिन आपकी साइट भी जो सी है ना वो सेल होने के काबिल हो। हालांकि ये इसकी वेबसाइट है जो ये 26 लाख की सेल कर रहा है और यहाँ पे ये वॉलपेपर्स की साइट है और यहाँ पे 20,000 इसने ये वाली पोस्ट किसी ने देखी हुई है, व्यूज किए हुए हैं, ये व्यूज किए हुए हैं, ये व्यूज किए हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने भी एडसेंस लगाया हुआ है, अप्रूव करवाया हुआ है। शायद ये एफिलिएट मार्केटिंग भी करता हो, ये भी गूगल एडसेंस ही अप्रूव है। यहाँ पे ये जो आप साइन देखेंगे ना, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एड्स बाय गूगल, तो इसका मतलब है इसने अपना एडसेंस अप्रूव करवाया हुआ है और उसी हिसाब से वो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एडसेंस रेवेन्यू है। और उसके अलावा जो है ना आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं, वेरीफाइड एनालिटिक्स भी हैं, वेरीफाइड एडसेंस भी हैं, सुपर सेलर्स भी हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिहाज से। और इनके रेवेन्यू सोर्सेज क्या है, फ्रॉम एडवर्टाइजिंग या फिर प्रोडक्ट सर्विसेज इनके पास हैं या फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, और साइट टाइप किस किस्म की होनी चाहिए, उसकी नीचेस क्या होनी चाहिए, इंटरनेट है, बिजनेस है, हेल्थ ब्यूटी इंटरनेट है, और इनकी विजिटर किस हिसाब से हो। तो ये साइट है। उसके बाद ये है, ये 80 लाख जो है ना पाकिस्तानी रुपीज में सेल कर रहा है, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। अगर आप इसको ले रहे हैं कि भाई मैं वेबसाइट बनाऊंगा और यहाँ पे जो है ना वो flipkart.com पर सेल कर दूंगा,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको 17 ईयर्स लगे हैं, फिर जाके उसने $80 का जो है ना वो वेबसाइट की हुई है, ठीक है। लेकिन इस पे बिट्स भी कम लगे हुए, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अगर 80 नहीं कर सकता या फिर 80 से ज्यादा करना चाहता हूँ ताकि ये मुझे ही अपनी वेबसाइट सेल करे, किसी दूसरे को ना करे। और लोग यहाँ से खरीदते क्यों है और लोग यहाँ पे बेचते क्यों है? बेचते वो इसीलिए है कि जब वो मैनेज नहीं ना कर सकते, जब वो अपनी वेबसाइट मैनेज नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 5-6 वेबसाइट्स हैं और मैं अपनी दूसरी वेबसाइट से भी मुझे अर्निंग हो रही है, क्योंकि जब हम अपडेट नहीं ना करते कोई चीज तो उसमें हमें ये मसला होता है कि हम उसे मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो उसका ये ही अच्छा सोल्यूशन है कि आप flipa.com पे आप सेल करवा दें और आपको उससे ज्यादा मिल जाती है। अब यहाँ पे देखिए 80,000 डॉलर यानी कि 80 लाख यहाँ पे दे रहा है। मुझे इसका एडसेस या एफिलिएट मार्केटिंग नजर नहीं आ रहा। बाकी इसका पीआर भी अच्छा है, डीए भी अच्छा है, पीए भी अच्छा है, ठीक है। और काफी ज्यादा इसके कीवर्ड्स है, यानी कि वेबसाइट हाई रैंक्ड है। अगर यहाँ पे अगर हम करवा देते हैं, अप्रूव करवा देते हैं एडसेंस, तो यहाँ पे पेज व्यूज 8,000 हैं, 7,000 हैं। बाकी इसने तो मैं तो कहूंगा इसने चवली मारी है, इतनी हाई प्राइस रख दी है। इसी वजह से इसको 3 बिट्स मिले हैं, हालांकि दूसरी साइट्स को जो है ना वो ज्यादा मिलते हैं। यहाँ पे देखें ये भाई जो से हैं, ये इन्होंने बेच दी है, मैंने जस्ट सोल्ड भी किया हुआ है। तो ये जितनी वेबसाइट्स मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ना, ये उन्होंने सेल कर दी हुई है। और ये लाइव वॉलपेपर्स .org जो सी वेबसाइट थी वो जो सा है वो तकरीबन 10 लाख, नहीं 30 लाख, तो ये ऑलरेडी जो है ना 30 लाख मंथली कमा रहा है। तो 30 लाख तो मंथली कमा रहा है, हालांकि वो 2-3 मंथ में यहाँ तक पहुंच जाए। लेकिन वो जब इसमें सेल कर देते हैं ना, तो एक तो ये होता है कि वो जल्दी सेल हो जाती है, उसकी टेंशन खत्म हो जाती है, उसको ज्यादा प्राइस अचानक से ही मिल जाती है और वो उसको साइट मैनेज करने का मसला नहीं होता। वो ऑलरेडी वो इतना एक्सपर्ट होता है कि वो 3-4 महीनों में इस तरह की एक और वेबसाइट जो है वो रैंक कर सकता है, अगर वो रैंक करना चाहे। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं, आप flipa.com पर आए और जस्ट सोल्ड में देखें और देखें कि क्या क्या लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, कितना है। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं आपको सुहाने ख्वाब नहीं दिखाना चाहता कि आप जो है ना वो ये करें कि यार काश हमें इतनी अर्निंग हो जाती। हो जाती है क्योंकि ये भी इंसान ही है जो कर रहे हैं, लेकिन इनके पास नॉलेज है, इनके पास ये हार्डवर्क करते हैं, ये प्रॉपर टाइम देते हैं। और आप भी इंशाल्लाह इस तक पहुंच सकते हैं अगर आप एक सीरियस होकर किसी भी चीज को लेकर चलें। लेकिन ये भी है कि आपने किसी एक चीज को नहीं लेकर चलना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये 32 लाख की एक साइट वेबसाइट जो है ना उसने सेल कर दिया, उसने 32 लाख जो है ना एक वेबसाइट से हम कर ली है। तो फाइवर से भी आप कर सकते हैं, और अगर फाइवर पे आप नहीं कर सकते हैं तो आप ब्लॉग से भी कर सकते हैं। आप यूट्यूब का भी मैं बताऊंगा, आप YouTube से भी कर सकते हैं, आप हर लेवल हर प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज को सिलेक्ट करना पड़ता है, आपको एक चीज पर फोकस करना पड़ता है, उस पर टाइम देना होता है, और हार्डवर्क और फोकस ये चीजें होती हैं जो आपको लेकर चलती हैं। प्रॉपर नॉलेज है तो ये तो हो गया ब्लॉगिंग। आपको डायरेक्ट साइट्स का भी बता दिया कि कैसे वो करते हैं, यहाँ पे आपको एक नॉलेज मिल गया कि लोग किस तरह जो है ना ब्लॉगिंग से अर्न करते हैं।
माशाल्लाह बंदे देख रहे हैं कौन कौन आए हुए हैं, काफी ज्यादा लोग आ गए हैं। हो जाओ ओपन। यहीं से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इसके इतने ज्यादा व्यूज हैं, ठीक है, और इसी व्यूज को हम कैलकुलेट कर देते हैं। और एक ये सिर्फ एक ही वीडियो है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वीडियो कितनी हो, आपके पास वीडियो हो तकरीबन 200 वीडियो हो और इतने व्यूज हो, तो मैं उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ कि उस हिसाब से आपको कितनी अर्निंग होगी। अच्छा YouTube का भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसकी क्या हिसाब से इसकी अर्निंग है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि या अपनी वीडियोस जो सी ना वो क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं। मेरा कोर्स इस पर मौजूद है, किसी को चाहिए तो मुझसे ले लीजिएगा। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि आपने एक वीडियो अपलोड करनी होती है, और गूगल एडसेंस इसके लिए भी होता है, और वो जो सा है आप अप्रूव करवा लेते हैं, और आपके यहाँ पे एड्स शो रहते हैं। एक यहाँ पे एड शो होता है और एक यहाँ पे छोटा सा होता है अगर आपने ऑब्जर्व किया, और एक स्किपेबल एड होता है और एक नॉन स्किपेबल एड होता है, यानी कि पहले वीडियो एड की चलती है उसके बाद जो सी आपकी वीडियो ओपन होती है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम जो सा है ना डॉलर को देखते हैं, यानी कि अगर आपके पास 1,000 व्यूज हैं एक वीडियो पर, तो आप $1 से लेकर आप $10 तक अर्न कर सकते हैं। और अगर लेकिन वो ट्रैफिक पे डिपेंड करता है कि आपकी ट्रैफिक कहाँ से आती है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कि ब्लॉगिंग में एडसेंस का बताया है, तो उसमें भी इसी पे डिपेंड करता है कि आपके विजिटर कहाँ से हैं। USA हो गया, UK हो गया, तो इस तरह के अगर आपके पास विजिटर आते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास उससे ज्यादा अर्निंग होती है, बजाय के अगर पाकिस्तान का आपके पास क्लिक का आ जाए या इम्प्रेशन आ जाए या इंडिया का आ जाए या फिर बांग्लादेश नेपाल इस तरह की कंट्रीज के आ जाए। तो ट्रैफिक का सोर्स और उसकी क्वालिटी जो सी ना वो भी डिपेंड करती है। आपकी ट्रैफिक जो सी ना वो UK या USA कंट्रीज से अगर ज्यादा हो तो वो आपके लिए बेस्ट होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं $1 के हिसाब से आपको बताऊं, तो 1,000 1,000 पे मैं अगर $1 का एग्जाम्पल दूं कि $1 1,000 व्यूज पर जो है ना आपको $1 मिलता है, तो यहाँ पे $995, ठीक है। और ये अगर इसको भी हम कम कर देते हैं, अगर इस पे हमें 400 इसका हाफ कर देते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसका हाफ भी कर देते हैं तो अगर हमें $500 भी मिलते हैं ना, तो $500 कम नहीं है। $500 मतलब पाकिस्तानी 50,000। और हम इसके चैनल पे देख लेते हैं किसने कितनी वीडियोस अपलोड की हुई है, और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि ये बंदा वाकई ही अर्निंग कर रहा है या नहीं कर रहा। बाकी इसने तो मेरे ख्याल से एडसेंस अप्रूव नहीं करवाया क्योंकि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ये तकरीबन इसके पास वीडियोस हैं, अभी लोड मोर और भी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके 100 वीडियोस हैं इसके पास, ठीक है। और अगर एक वीडियो पर 10,000 व्यूज आ जाते हैं, ठीक है, मतलब यानी कि $10 अगर एक वीडियो से कमा रहा है, तो 10 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो के साथ तो हमारे पास तकरीबन $1,000 बन जाते हैं इजीली। और यानी कि 1,00,000 जो सा ना आप 100 वीडियो से जो सा ना अर्न कर लेते हैं। और ये नहीं होता, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक दफा 1,000 व्यूज आ चुके हैं, तो
तो उसकी तो आपको अर्निंग मिल जाएगी, लेकिन जब 2000 व्यूज होंगे आपको दोबारा मिलेंगे, 3000 हो जाएंगे तो आपको दोबारा मिलेगी, तो इस तरह ही काम चलता रहता है। और यहाँ पे मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, कुछ मेरे दोस्तों के हैं और कुछ मैंने उठाए हुए हैं। ये एडसेंस की है अर्निंग, यहाँ पे एस्टिमेटेड अर्निंग, यहाँ पे इसके मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके कि यहाँ पे इसने इसके पास पेज व्यूज कितने हैं, इसके पास पेज व्यूज इतने हैं और इतने उसके एडसेंस पर क्लिक हुए हैं, जो मैंने आपको बताया ना कि क्लिक्स होते हैं उसके हिसाब से इसके पास क्लिक्स आए हैं और इसके पास इतने क्लिक्स आया, सॉरी इतनी एस्टिमेटेड अर्निंग इसके पास मौजूद है, यानी कि 30 लाख हो गया यहाँ पे, 46 हज़ार यहाँ पे, 34 हज़ार यहाँ पे, तो टोटल जो सी अर्निंग यानी इसकी तकरीबन 31 लाख जो है ना वो अबाउट बन जाते हैं। उसके अलावा ये ईलांस का है या पता नहीं, जी ईलांस का ही है, तो इसने भी जो है ना इसने भी जॉब्स इतने 34 किए हुए हैं और इसने हॉर्स कितना काम किया हुआ है, 178 हॉर्स काम किया हुआ है, तो इसने 27 क्लाइंट्स पकड़े हैं और इसकी अर्निंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी इसकी अर्निंग है। ये भी एडसेंस का ही अकाउंट है, उसका स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे 135 क्लिक्स हुए हैं और यहाँ पे इतने पेज व्यूज हैं, तो इसका जो सर मैं आपको डिटेल ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 जुलाई को जो सा है इसके पास 2000 व्यूज आए और इसने जो से हैं वो $55 अर्न किए, और 8 जुलाई 2012 को इसके पास 2000 पेज व्यूज दोबारा आए और इसने 37 डॉलर किए, और इसके पास 15 जुलाई को इसके पास दोबारा आए, और ये टोटल जो है ना अबाउट आ जाता है 124 डॉलर, यानी कि 12,000 डॉलर, 12,000 जो से हैं वो इसके पास एस्टिमेटेड पैसे पाकिस्तानी रुपीस आ चुके हैं। ये भी वही रहे है कि इसने पर हॉर जो 125 ले रहा है और इसने 116 जॉब्स कर ली हैं। ये फाइवर की अर्निंग है उसने, यानी कि 3,000 यानी कि 4 लाख इसने कमा ली हैं। और जो से मेरे फ्रेंड्स के होंगे ना वो मैं आपको बता दूंगा मेरे फ्रेंड्स के कौन से हैं। ये YouTube की अर्निंग है, इसके पास इतने व्यूज आ चुके हैं और इतने मिनट्स इसने वॉच किए हैं और इसने 2 लाख रुपए यहाँ से अर्न कर लिए हैं। अच्छा, ये मुझे फ्रेंड ने इनबॉक्स किया था, मैंने जब कहा ना कि मैं शायद यहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, मैं देख लेता हूँ। नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं मौजूद, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप, मैंने कहा कि आपको मैं अर्निंग दिखाऊंगा अपने दोस्तों की और लोगों की, तो मुझे ये पीएम आया था 12:57 पर, ये परसों आया था मुझे, और इसने इसकी अर्निंग जो सी ना वो एडसन से ही है, और उसने अर्न कितना किया हुआ है, उसने आज यानी कि परसों जो से है उसने अर्न किए थे कि 18 यूरो किए थे, और यस्टरडे उसने यानी कि परसों से जो सा है वो यस्टरडे उसने इतने किए थे, और उसने महीने में जो सा ना इस महीने जो सा वो इतने अर्न किए हुए हैं 583 यूरो, और ये डॉलर से यूरो थोड़ा जो सा बड़ा होता है इसलिए मुझे इसका पता नहीं चल रहा कि इसको मैं क्या दूँ, तो इसको आप जो सा ना 600 डॉलर कर लें, और यस्टरडे सीपीसी इसका है, टुडे सीपीसी है, सीटीआर, और ये सीटीआर ये आरपीएम कुछ और चीजें हैं। अच्छा, टुडे पेज व्यूज इसके पास कितने हैं, 925, ठीक है, इसके पास इतने व्यूज आए और इसने उससे यानी कि 1,000 व्यूज उसके पास आए हैं, पेज व्यूज 1,000 आए हैं, और उसने जो है वो डॉलर जो से अर्न किए हैं वो 18
यूरो यानी कि $20 तकरीबन इसने एक दिन में इतनी ट्रैफिक से जनरेट कर लिया। तो जितनी आपके व्यूज ज्यादा होते जाएंगे उसी हिसाब से आपकी अर्निंग, येस्टरडे और आज को मिलाकर येस्टरडे जो उनसे पेज व्यूज है ना कल उसके ज्यादा थे 2,000 और तकरीबन 3,000 कर लें और यहाँ पे 40 कर लें डॉलर, और इसी के साथ डिपेंड करता है। तो ईयर ईयर टू डेट इसने तकरीबन 2 लाख, और ईयर टू डेट का मुझे नहीं पता क्या होते हैं। तो यस्टरडे उसने इतने अर्न किए हैं और टुडे जो है ना इसने $9 अर्न किए हुए हैं, और इसने इस मंथ जो है ना वो तकरीबन 47,000 जो है वो अर्न कर लिए हैं। तो ये काफी ज्यादा मेरे पास एडसेंस के पड़े हुए हैं, ये अमेजोन के हैं यानी एफिलिएट मार्केटिंग जब हम करते हैं ना तो उसके हिसाब से मिलते हैं। तो इसने काफी ज्यादा सेल्स करवाई हुई है, इसने सेल्स कितनी सेल करवाई है 117 सेल करवाई है और उसको 2 लाख जो है वो उसने इससे अर्न कर लिया है। और उसके साथ है एडवर्टाइजिंग फी भी जो है ना वो $170 है। ये भी amazon.com की अर्निंग है, ये भी amazon की है, ये YouTube की है, ये क्लिक बैंक की है। इसने वेंसडे जनवरी 6 को जो है वो 632 डॉलर जो से है उसने उसकी इतनी सेल करवाई हुई है। यहाँ पे भी आप सेल देख सकते हैं कितनी उसने सेल करवाई है, और यहाँ पे ग्रोस सेल्स भी आप देख सकते हैं कि उसने 2010 सॉरी ये यहाँ पे डेट्स लिखी हुई है उसके हिसाब से जो है ना वो उसने यहाँ पे अर्निंग की हुई है। यहाँ पे फाइवर की है, और ये टोटल एस्टिमेटेड अर्निंग है यूट्यूब से, और इतने व्यूज हैं उसके हिसाब से मिली है, और ट्रैफिक पे भी डिपेंड करता है। ये भी यूट्यूब का है, और ये मेरे फ्रेंड ने मुझे ये सेंड किया था, इनबॉक्स किया था, मैंने उनको कहा कि अपनी अर्निंग तो भाई सेंड कर दो, तो उन्होंने जो है ना वो इतने अर्न कर लिए हैं, शायद वो बाद में ये वीडियो देखेगी। और ये भी फाइबर की अर्निंग ही है। तो स्क्रीन शॉट दिखाने का मकसद ये है कि लोगों ने जो है ना वो वाकई अर्न किया हुआ है। ये भी फाइबर का है, ये एडसेंस का है, ये भी एडसेंस का है, ये मेरे दोस्त का है, मैंने खुद स्क्रीन शॉट लिया था, ये उन्होंने अपनी टाइमलाइन पे शेयर किया था, वर्डप्रेस का गिग है उसका फाइबर पे, और 160 जो है उन्होंने अर्न किया हुआ है, और जो सा बायर है उससे काफी खुश हो गया था, उसने $125 जो सा ना उसे टिप दे दिया, और इतने उसने तकरीबन जो से ना वो रिव्यूज उसको मिल चुके हैं, और हर इतने रिव्यूज मिल चुके हैं, और एक ऑर्डर पे जो है ना वो तकरीबन 100-150 डॉलर जो है ना वो ले जाता है। और फ्रेंड ही है मेरा, मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी ऐड है, दो बंदे हैं, ये एक और बंदा है, यहाँ पे इसने फोटोज में शेयर किया था, तो नाम मैं उसका हिडन करना चाहता हूँ, प्रोफाइल भी हिडन करना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने ये किया हुआ। और उसने यानी $1 का 150 किया हुआ है, 165 किया हुआ है, ये भी फोटो से ही मैंने लिया हुआ अपने फ्रेंड के। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि flipa.com, तो ये flipa.com पे तो नहीं बेच रहा, लेकिन ये ऑनलाइन ही बेच रहा है, ये सॉरी मैंने नाम रेज करना भूल गया था, पाकिस्तानी प्रो ब्लॉगर्स ग्रुप है, वहाँ पे इसने कहा था कि आई वांट टू सेल माई वेबसाइट विद एडसेंस अकाउंट, और वो जो सा 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक वो अर्न कर रहा है।
चलिए ठीक है, टाइम इज ओवर, रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर देता हूँ और क्वेश्चन आंसर आप जो उनसे हैं वो सेशन स्टार्ट कर देते हैं।